कोरोना के JN1 वेरिएंट की दस्तक देश में होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बागपत में भी नए वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है और सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व अन्य स्थान पर बेड तैयार कर दिए गए हैं। वहीं ऑक्सीजन प्लांट भी पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं, जिससे नए वेरियंट से होने वाले खतरे से आसानी से निपटा जा सके। वहीं डॉक्टरों ने इससे बचाव के उपाय भी बताए हैं। बागपत में कोरोना के नए वेरिएंट का अभी तक कोई भी केस नहीं मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और लोगों को इससे बचाव के उपाय बताए हैं। CMS SK चौधरी जिला अस्पताल बागपत ने लोगों से इस वेरिएंट को लेकर परेशान न होने की बात कही है। कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति खांसी, नजला, जुकाम से पीड़ित है तो वह तुरंत अपनी जांच कराए। वहीं उन्होंने उम्रदराज बुजुर्ग लोगों से कहा कि जरूरत होने पर ही घर से निकले, अगर जरूरत है तो घर से निकले और मास्क लगाकर निकले। वहीं छोटे बच्चों का भी ऐसे समय में विशेष ख्याल रखें। नए वेरिएंट को लेकर उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हल्की खांसी, नजला, जुकाम के साथ ही यह वेरिएंट दस्तक दे रहा है। अभी तक बागपत में इसका केस नहीं मिला है, फिर भी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। जिला अस्पताल व अन्य स्थान पर बेड की तैयारी कर दी गई है। वहीं ऑक्सीजन प्लांट भी पूरी तरह तैयार है। किसी भी खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। डॉक्टर SK चौधरी ने कहा कि उम्रदराज बुजुर्ग लोग और बच्चे इसमें इन्फेक्टेड हो सकते हैं, ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाहर मास्क पहनकर ही निकलें और हरी सब्जियां खाएं और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और इसमें घबराएं नहीं और संयम बरतें। हमारा है कि कोरोना के कुछ केसेस जो हैं अब दोबारा निकल के आ रहे हैं, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्दी जुखाम सिंपल है। फिलहाल बागपत में कोई ऐसा पॉजिटिव केस अभी नहीं आया है। हाँ, गाजियाबाद, नोएडा में एक दो केस मिले हैं, तो मेरा ये कहना होगा कि इसमें पैनिक मत होइए। और हमारे जिला अस्पताल में कभी स्थिति में कोई ऐसी स्थिति आती है कि जिसमें हमको ज़रूरत पड़ती है मरीज को भर्ती करने की, तो हमारे जिला अस्पताल में सारे इंतजाम पूर्ण कर लिए गए हैं। हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट भी मौजूद है 500 लीटर पर मिनट का प्रधानमंत्री से, और हमारे पास 40 बेड का पीकू वार्ड बना हुआ है जिसपे हमारे सभी बेडों पे ऑक्सीजन उपलब्ध है और वेंटिलेटर की सुविधा भी है। दो एनेस्थेटिस्ट भी मेरे पास हैं, MD एनेस्थेसिया, और सारी दवाइयां जो उसके लिए चाहिए वो भी सारी दवाइयां मेरे पास यहां पर मौजूद हैं अस्पताल में। मगर हम यही कहना चाहेंगे कि लोगों को, जो बुढ़े आदमी हैं, जो उम्रदराज लोग हैं, वो ठंड का मौसम है, घर से ना निकलें। बहुत दिक्कत हो तभी चिकित्सक को दिखाएं, और अगर निकले भी तो मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, क्योंकि अब 31 दिसंबर आने वाला है, सेलिब्रेशन वाला समय आ रहा है, फेस्टिवल्स भी हैं, तो उसको देखते हुए भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं और अपना घर पे बैठे, बच्चों को भी कम निकालें। अगर कोई किसी को बहुत दिक्कत होती है तो मेरे वहाँ सारे चिकित्सक मौजूद हैं, आके दिखा सकते हैं। जाँच की सुविधा भी मेरे वहाँ शुरू हो गई है।